एलजी ऑफिस के बाहर आज जितने भी जो वकील है जे एंड के बार हाई कोर्ट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं वो आज यहां पहुंच चुके हैं। कल इनका प्रदर्शन, इनकी बाइक रैली आपने देखी थी जो हाई कोर्ट से लेकर तवी पुल तक आई थी। तवी पुल इन्होंने बंद कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी आम जनता को भी देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर आप देख सकते हैं, आज इनका ये पूरी रैली जो है आज एलजी ऑफिस यानी कि राजभवन के ठीक बाहर है और जस्टिस की डिमांड इनकी तरफ से की जा रही है। जिस तरह से इनकी तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है, आप देख रहे हैं कई बार ये हाईकोर्ट के बाहर भी बैठे, वहां पर भी धरना दिया और आज यहां पर राजभवन के बाहर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और फिलहाल देख सकते हैं एलजी ऑफिस की तरफ ये पूछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पुलिस पूरे अपने दल बल के साथ जो है वो मौजूद है। यहां पर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये खुद जो है जाना चाहते हैं और एलजी साहब से बात करना चाहते हैं, क्योंकि काले झंडे कल इनकी तरफ से दिखाए गए थे और ये कहा जा रहा था कि काले झंडे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो नालायकी है एलजी प्रशासन की वो निकल के बाहर आ रही है, इसलिए हम काले झंडे दिखा रहे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर ये जितने भी वकील हैं वो आज राजभवन में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस सामने है, अब आमने सामने का यहाँ पर मामला जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को मिली थी जब तवी पुल को वकीलों द्वारा बंद कर दिया गया था और तब पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी कि इनको मनाने के लिए कि कहीं ना कहीं रास्ता खाली करवाया जाए और आम जनता जो है वो वहाँ से निकल सके, उनकी गाड़ियाँ निकल सके। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जे एंड के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं और एलजी प्रशासन के खिलाफ जो है फिलहाल यहाँ पर उन्हीं के ऑफिस के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपके जो आप जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने एलजी की कुर्सी पर जम्मू कश्मीर में आया, तब से ही अंधेर नगरी जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सर, कल भी आपकी तरफ से तवी पुल बंद कर दिया गया था, आपकी तरफ से डिमांड रखी गई थी, आज राजभवन की तरफ पूछ है क्या? देखिए, हमारी बड़ी सिंपल सी डिमांड है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई खजाना नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई है। हमने क्या मांगा है? हमने मांगा है कि आम लोग तंग हो रहे हैं, कोई अपना घर बेचता है ना या कोई दुकान बेचता है उससे इतनी मोटी फीस चार्ज की जाती है, लाखों रुपया पहले तो फर्द कटवाने में लग जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनसे रिश्वतखोरी कर रहा है और आपने रजिस्ट्रेशन भी उसी को दे दी। और आज दिक्कत ये आ रही है उन लोगों को कि छः छः महीने की डेटें दे रहे हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है वहाँ पर। हमने अपने लिए नहीं कुछ मांग रहे, आम लोग तंग हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम उनके लिए मांग रहे हैं। हमने कौन सी कोई बड़ी बात मांग ली, हम ये कहना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ होनी चाहिए। आप आज कोई फ्रिज, कूलर, टीवी लेते हो, किसके सहारे लेते हो? अगर कोई ख़राब हो जाएगा कंपनियाँ लूट रही हैं, आपकी कंज्यूमर कोर्ट ही नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, सोचना पड़ेगा। ये पब्लिक काज है, हम लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बात समझ रहे नहीं है हमारे एलजी साहब। एसी कमरों में बैठ के कुछ नहीं होगा एलजी साहब, बाहर आइए, डेली वेजर्स आपकी सड़क पे हैं, आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप अपने अपने बच्चों को इस तरह से मरवा सकते हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो एलजी प्रशासन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो अंधेर नगरी जैसा हो, अंधेर नगरी जैसा ही है। देखो, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, जो स्टूडेंटों को मारा इन्होंने, यूनिवर्सिटी में डोगरा स्टूडेंट को मारा, ये मंदिरों का शहर था, टोल प्लाजा का शहर बना दिया इन्होंने, लोगों को बसों से उतार उतार के मार रहे हैं। ये डोगरा का इतिहास जानने की ज़रूरत है एलजी साहब को, उनको जानने की ज़रूरत है कि ये महाराजा गुलाब सिंह का रियासत है, उनको जानने की ज़रूरत है कि कौन हमारे जोरावर सिंह कौन थे, उनकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है, तिब्बत तक हमारा डोगरों का राज था, ये जानने की ज़रूरत है। आज इन्होंने गवा दिया, बल्टिस्तान हमारा डोगरों का शासन रहा है वहाँ पे, ये इन्होंने सब गवा दिया, इनको थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। ये हम डोगरा, हमारे डोगरों का इतिहास जानो, यहाँ का डोगरा हिंदू, डोगरा मुसलमान, डोगरा सिख और ईसाई, सब डोगरा एक हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। एसी में बैठ के कुछ नहीं होगा, इनको बाहर आना चाहिए, तपती धूप में हम खड़े हैं। और जिस देश में वकील जो कि केस लड़ते हैं, कानून इंसाफ के लड़ते हैं, अगर सड़कों पे हो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने पूरी बात बताई और लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन समय समय चल रहा है लगातार, कल भी बाइक रैली हुई जिसमें तभी पुल इनकी तरफ से बंद कर दिया गया और आज आप देख सकते हैं राजभवन जो एलजी ऑफिस है वहाँ पर ये पहुँचे हुए और तिरंगे आज हाथ में है, कल काले झंडे थे आज तिरंगा है। गौरव जी, कल काले झंडे लेकर आप निकले थे और तभी पुल बंद किया था, आज तिरंगा झंडा लेकर सीधे एलजी ऑफिस के बाहर आ गए हैं, अंधेर नगरी जैसा सारा माहौल आप कह रहे हैं। आपके चैनल के मीडियम से हम ये बता दें, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू, ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी जिद है।
कि हम वकील भाइयों ने अब ये थाम लिया है कि जम्मू में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो भी ये एक्टिविटी जो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है पीस मील्स में, आज एक ट्रिब्यूनल ले रही है, कल दूसरे ट्रिब्यूनल ले रही है, मैंने सुनने क्या है कि जो हमारे ट्रैफिक चलान है वो भी हमारे यहाँ से जा रहे हैं। आप खुद समझिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अड्डे बढ़ते जा रहे हैं, कि एक आम आदमी कितना इससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कितना उसको इनकन्वीनियंस हो रही है, ये हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम कोर्ट में काम करते हैं। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है कि इनकी ये जो हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये डेलिब्रेटली हम लोगों को नुकसान करने के लिए, हम लोगों को तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से बातें की गई थी, यूटी बनाया गया था, उसके बाद एलजी का राज जो है वो चला था, यही कहा गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो जम्मू कश्मीर करना। सर आप देखें कि पीएसआई के लिस्ट में 40 करोड़ का घोटाला हुआ है, पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रोसेस में 40 करोड़ का घोटाला, और आज तक ये ओपनली डिक्लेयर हो चुका है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस लाखों के पीछे नहीं गया। इससे पता चलता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है। ये सोशल इक्वलिटी के खिलाफ काम करते हैं, ये चाहते नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको नौकरियाँ मिलें, क्योंकि नौकरियाँ देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं किया। और जब आप लोग जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, आप लोग जो हैं क्योंकि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ आप ही से सारी चीज़ें चलती हैं, आपके पास हर कोई मदद के लिए आता है, और आप ही अभी परेशान दिख रहे हैं, आप लोग भी परेशान दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये परेशानी है, ये वकीलों की अकेली परेशानी नहीं है, पूरे समाज की परेशानी है। कहीं ना कहीं आप भी इससे इफेक्ट है, ये भी इससे इफेक्ट है, सारा जम्मू कश्मीर इससे इफेक्ट है। इसलिए हम जो भी बात कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की भलाई के कर रहे हैं, वकीलों को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात के कॉन्शियस हैं कि कल को अगर ऐसा हो गया तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा, पूरा जम्मू कश्मीर तहस नहस हो जाएगा। और ये आप खुद इस बात को बीइंग अ मीडिया पर्सन आप खुद इस बात का एहसास रखते हैं। तो क्या आपकी बात, आप लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल तवी पुल पे गए, आज यहाँ पहुँच गए हैं, क्या एलजी प्रशासन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, या फिर वो चाहते ही नहीं है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो पूरी की जाए? देखो गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्शियस, उनको बिल्कुल मालूम है कि वकीलों की जो डिमांड्स है वो भी जेन्युइन है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 370 का वो एक शील्ड लेके कहीं ना कहीं हमें डिले कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरा जम्मू हमारे साथ खड़ा, आज नहीं तो कल हमारी मांगे बिल्कुल पूरी होंगी, अगर नहीं पूरी होंगी तो हम इसके लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मास लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी मांगे आज पूरी नहीं हुई तो हमारा जम्मू कश्मीर और पीछे चला जाएगा। तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वकील हैं सभी हाथों में तिरंगा लेकर आज पहुंचे हुए एलजी ऑफिस के ठीक बाहर, पांती थी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कल इन्होंने तवी पुल बंद किया था, आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर एलजी प्रशासन के खिलाफ नारे यहाँ पर सीधे तौर पर लग रहे हैं। इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपको होश में आने की ज़रूरत है, जब तक आप अपना काम जो है वो बखूबी नहीं निभाएंगे हम वकील इसी तरह से सड़कों पर आते रहेंगे, इसी तरह से हम नारे लगाते रहेंगे, और जो है परेशानियाँ हमें हो रही हैं आने वाले समय में आपको और परेशानी आपको भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, यहाँ राजभवन है और बैरिकेड्स पहले से ही लगा के रखे थे, पुलिस की टीम यहाँ पर पहले से ही पहुँची हुई थी कि कोई और प्रॉब्लम जो है वो देखने को ना मिले। फिलहाल यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन किसी को भी आगे जाने की इजाज़त फिलहाल जो है वो नहीं दी जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सामने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और सामने आप देखिए कि पूरे एसोसिएशन ने नवंबर के महीने में एलजी साहब को एक रिटर्न मेमोरेंडम दिया था, और हमने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सारी कोर्ट्स जो हैं वो एक छत के नीचे कोर्ट प्रीमिसेस में आप एक बिल्डिंग नई बनाइए मल्टी स्टोरी, जिसमें सारी की सारी अदालतें वहाँ बड़े आराम से सिचुएट की जा सकती हैं। तो हम नवंबर 2021 से इंतज़ार कर रहे हैं, अब हमें अपनी एजिटेशन को इंटेंसिफाई करना पड़ा। कल हम स्ट्रीट्स पे निकले थे, आज हमने एलजी साहब का यहाँ ऑफिस है उसके बाहर आज हमने डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम दिया था, सभी बुकवा साहिबान यहाँ आपके सामने आए हुए हैं, और अगर आज भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, तो हम इस एजिटेशन को और इंटेंसिफाई करेंगे, और जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो हम प्रेस को बताएंगे। शुक्रिया। सीधे तौर पर लगातार इनकी तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो समय समय पर किया जा रहा है, कल तवी पुल बंद किया गया था, आज राजभवन के बाहर इनका प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, और यही कहा जा रहा है कि अभी भी अगर हमारी डिमांड जो है वो नहीं मांगी जाती है, मानी जाती है, तो आगे ये और इनका जो प्रदर्शन है जन आंदोलन जो है वो बन जाएगा। आप देखते हैं कि एलजी प्रशासन की तरफ से क्या रुक लिया जाता है, क्या बातें डिमांड जो है इनकी तरफ से वो मानी जाती है, या इनका जो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और प्रदर्शन उग्र हो सकता है, क्या वही देखने को मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।